सफल जीवन की परिभाषा क्या है। तो कोई खास डेफिनेशन नहीं हो सकती, हर एक व्यक्ति के जीवन की सफलता अलग अलग तरह की होती है। जो जिस क्षेत्र में है उसमें सफल होना चाहता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जीवन के अंतिम भाग में शांत होकर, संतुष्ट होकर, इस धरती के नाम कुछ देकर, यहाँ हम स्वार्थी बनकर नहीं जिए थे। क्योंकि महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किसी के सारथी बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में स्वार्थी बनकर ना जिए। हमने रास्ता दिखाया था, हम सही रास्ते पर चले थे और हम जीवन से संतुष्ट हैं और हम आनंदित होकर मुक्त होने लगे हैं। जीवन का वो अंतिम भाग जहाँ रोते हुए कलपते हुए नहीं जा रहे, संतुष्ट होकर इस दुनिया को आप हाथ जोड़कर विदाई ले रहे हैं, माना जाएगा कि आपने अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त। रविंद्रनाथ टैगोर से जब पूछा गया था कि जीवन के इस अंतिम भाग में आप क्या दोबारा जन्म लेना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था, मेरे परमात्मा की दी हुई देन, उसकी कृपाएं, उसके वरदान इतने हैं कि जिनकी गिनती नहीं। तो उसके प्रति धन्यवाद देते देते ये एक जिंदगी कम पड़ गई। दोबारा इस धरती पर आना चाहता हूँ, धन्यवाद करने के लिए आना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, उसके गुणगान गाने के लिए आना चाहता हूँ कि उसको फिर से थैंक्स कर सकूँ कि पिछले जन्म में जो तूने दिया था वो इतना था कि जन्मों जन्मों तक भी तेरे लिए धन्यवाद करूँ तो वो कम है। तो जब आप धन्यवाद करते हुए जीते हैं और धन्यवाद करते करते विदाई लेते हैं, तो माना जाता है कि जीवन धन्य हुआ, और यही कसौटी हो सकती है।